एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ना। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन फोर्थ में प्रॉब्लम में बोला गया डिफरेंशिएट, इसको आप नेक्स्ट टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, लिख लो नेक्स्ट टाइप में इसको। टाइप नंबर जो क्या चल रहा है, फोर्थ होगा इसका, है ना। चलिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट 5 raised to power x विथ रिस्पेक्ट टू log x to the base 5। इससे पहले आपने क्वेश्चन क्या किया था ध्यान देना, इससे पहले जो आप प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें था आपका शायद y इक्वल टू x² + 3x दिया था, ठीक है। अब y को डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन देखना पहले, आप क्या कर रहे थे, y को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे थे किसमें, विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपने y को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिला, dy अपॉन dx। अगर मैंने x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिला, 2x, एंड 3x को 3, मीन्स अपने को क्या मिल रहा है, 2x + 3 मिल रहा है, ओके। अब अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर x³ + 9x, तो इसको क्या मिल रहा है, 3x² + 9 मिल रहा है भाई। अब बट यहां पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्रॉब्लम बोल रहा है भाई कि इनको डिफ्रेंशिएट करना है इनके रिस्पेक्ट में, मतलब क्या, अगर मैं इसको एक पल के लिए इसको बोलता हूं y, इसको बोलता हूं x, मींस dy अपॉन dx निकालना है, ये निकालना है ना। मैंने क्या बोला सर, इनको डिफरेंशिएट करना है इनके रिस्पेक्ट में, मींस मैं अगर इनको बोलूं सर कि इसको सर मान लो आप अगर u इक्वल टू 5 raised to power x आपने बोल दिया, आप एज्यूम कर लीजिए लेट u इक्वल टू 5 raised to power x एंड v इज इक्वल टू log x टू द बेस 5, ठीक है। अपने को फाइंड क्या क्या करना है भाई, वी हैव टू फाइंड क्या, डी यू बाय डी वी निकालना क्या अपने को, डी यू बाय डी वी, अरे बोलना, अच्छा डी यू बाय डी वी निकालना है, मींस यू किसका फंक्शन है, एक्स का, एंड वी किसका फंक्शन है, एक्स का। अगर मैं अगर अपने को डी यू बाय डी वी निकालना है, मतलब ये हो गया सर कि अगर मैं डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लूं और dv अपॉन dx निकालना होगा तो डिवाइड कर दूं तो मिल जाएगा अपने को ये, बोले हाँ, अरे बोलना। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं फिर बताओ, मैंने बोला सर u इक्वल टू 5 raised to power x है, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन dx, a raised to power x का डेरिवेटिव a raised to power x इनटू log a मींस log 5, ओके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। v इज इक्वल टू log x टू द बेस 5, dv अपॉन dx अगर मैं निकालता हूं तो क्या मिलेगा, 1 upon x log 5। अरे हाँ यार, कैसे, y इक्वल टू log x टू द बेस a का डेरिवेटिव क्या था, y इक्वल टू log x अपॉन log a लिखा था हम लोगों ने, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, 1 by log a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव log 1 by x, मींस मैंने क्या बोला था कि आप डायरेक्ट इनका रिजल्ट यूज कर सकते हो, 1 upon x log a। दिस अब अपने निकालना क्या था भाई, डी यू अपॉन डी वी मीन्स डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू वॉट, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आपके पास, 5 raised to power x इंटू लॉग 5 है, डिवाइड बाई डी वी मीन्स 1 upon x log 5 है, तो आंसर क्या मिलेगा बताओ, x इंटू 5 raised to power x इंटू log 5 का होल स्क्वायर, आंसर हो गया, समझे क्या, छापो।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है डिफरेंशिएट यू विद रिस्पेक्ट टू वी। क्वेश्चन में दिया है u इक्वल टू e रेस्ट टू पावर 2x इंटू कॉस एक्स एंड v इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर 2x इंटू साइन एक्स। ठीक है सर, u किसका फंक्शन है भाई? अरे बोलना यार, u किसका फंक्शन है एंड v किसका फंक्शन है? x का। निकालना है क्या अपने को? du बाई dv निकालना है। निकालना है क्या? तो इसके लिए क्या करोगे? पहले क्या निकालना पड़ेगा? du बाई dx देन dv बाई dx। तो करो डिफरेंस करो, u इक्वल टू क्या है? रेस्ट टू पावर 2x इंटू कॉस एक्स। क्या अप्लाई करोगे? u भी रूल है ना। तो बताओ डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, du बाई dx, फर्स्ट टर्म कॉन्स्टेंट d बाई dx ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स एज ए कॉन्स्टेंट d बाई dx ऑफ e रेस्ट टू पावर 2x। डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट टू पावर ए एक्स। ई रेस्ट टू पावर एक्स का ई रेस्ट टू पावर एक्स एंड इसका क्या मिलेगा? टू। यहां से मैं ई रेस्ट पावर टू एक्स कॉमन निकाल लूं, मैं क्या मिल जाएगा? माइनस साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स मिलेगा भाई। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने को? वी इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर टू एक्स इंटू साइन एक्स। इनको डिफ्रेंशिएट किया डी वी अपॉन डी एक्स, अप्लाई किया यू वी रूल, तो फर्स्ट टर्म कॉन्स्टेंट नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म मीन्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज ए कॉन्स्टेंट नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ इरेज टू पावर टू एक्स। इरेज टू पावर टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस इरेज टू पावर एक्स का इरेज टू पावर एक्स मिलेगा एंड इसका क्या मिलेगा? टू एक्स का टू। यहां से इरेज टू पावर टू एक्स कॉमन निकाल लिया मैंने, तो क्या मिलेगा? कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स मिलेगा भाई। इसको मैं सेकंड बोल दूं, मैं बोल सकते ना यार। अब क्या बोला गया? किस तरह अपने को निकालना है? डी यू अपॉन डी एक्स मीन्स व्हाट? सॉरी डी यू बाई डी वी निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा बताऊं? डी यू बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स क्या आपके पास? इरेज टू पावर टू एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स डिवाइड बाई इरेज टू पावर टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स। ये कैंसिल हो गया सर आपका, है ना। अब सर माइनस साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, ये क्या मिल रहा है अपने को? डी यू बाई डी वी मिल रहा है अपने को, मिल रहा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कर लेंगे सारे क्वेश्चंस? चलो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कीजिए। क्वेश्चन ऑफ फोर्थ, क्वेश्चन ऑफ फोर्थ में देखो क्या बोला गया है। डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स
ए माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ध्यान दे, क्या बोलो जरा बताओ, क्या करो इसको बताओ, यू बोल दो मैं। वन प्लस ए एक्स, हाँ टेन इनवर्स, ये मान लो इसको ए, ठीक है, ऑलरेडी ए ही है। टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए इंटू बी, क्या होगा रे, टेन इनवर्स ए माइनस ऑफ टेन इनवर्स बी मीन्स एक्स। इनको डिफ्रेंशिएट किया तो डी यू बाई डी एक्स मिलेगा, ये तो कांस्टेंट है, जीरो डेड ऑफ टेन इनवर्स दिस। नॉट डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर मिला भाई, इक्वेशन नंबर वन बोल दिया। कोई तकलीफ? अब सिर्फ छापने का ही काम है आप लोगों का। आगे बताइए, सेकंड पॉइंट क्या है, भी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, बोलो क्या करोगे, पुट कर लो यहां पे, पुट x इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, साइन इनवर्स ऑफ x, तो v इक्वल टू साइन इनवर्स आपने पुट किया तो क्या मिला, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, क्या मिलेगा साइन 3 थीटा, तो v इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू थीटा मीन्स 3 थीटा, तो v इक्वल टू 3 साइन इनवर्स ऑफ x dv बाई डी एक्स साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अरे बोल भाई, नो निकालना क्या था अपने को भाई, डी यू बाई डी एक्स डी यू बाई डी वी, तो डी यू बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी वी बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स अपने को पता है सर, है ना, क्या अपने पास माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है, सिंप्लीफाई कर ले तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये इधर आया मीन्स दिस डिवाइड बाई 3, तो क्या आ गया आपका बताओ, माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन बाई 3, देखा है क्या आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आप लोग खुद से कर सकते हो यार सारे क्वेश्चन, सब कर लोगे या फिर कर दो लास्ट एक कर लो ना। चलो क्वेश्चन लिखिएगा, डिफरेंशिएट करो रे भाई मोटे या कर, डिफरेंशिएट लॉग
वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू कॉस लॉग एक्स। चलिए बताइए क्या क्या करना है। ये u है, u इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड v इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स। देखो अगर मैं u को तोड़ता हूं, मैं क्या लिखूंगे बताओ, लॉग m माइनस लॉग n लिखोगे। अरे भाई तो रहो उसको, du बाई क्या मिलेगा, dx वन अपॉन, बोलो लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन x ना। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ रूट वन बाई टू रूट x, डेरिवेटिव ऑफ वन जीरो, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, डेट ऑफ x 1, सही है ना, माइनस डेट ऑफ लॉग 1 बाई एक्स, डेट ऑफ स्क्वायर रूट 1 बाई टू रूट x, ओके एंड डेट ऑफ 1 जीरो, डेट ऑफ x स्क्वायर 2x माइनस 1, 2 टू कैंसिल, सिंपलीफाई कर तो वन अपॉन अंडर रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्रॉस स्केल एक्स प्लस ये मिलेगा डिवाइड बाय दिस, सो इनका मैटर हो गया। माइनस अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं मैं तो क्या मिलेगा बताओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ अगर ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो बताओ क्या आ रहा है, वन माइनस समथिंग हो रहा है। अरे गधों समझ में नहीं आ रहा है तेरे को, है ना, मैंने यहां से माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस हो जाएगा यार, हाँ और ये फिर माइनस हो जाएगा, मीन्स वन माइनस समथिंग, एलसीएम क्या मिलेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर है हाँ तो फिर क्या आएगा इधर वन, ऐसा होगा ही नहीं होगा बता, फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर क्या दिख रहा है बताओ, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्या आपका वन अपॉन दिस प्लस वन अपॉन दिस, मीन्स क्या वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए कितना हो जाएगा टू बाई ए होगा ना, तो क्या लिखोगे यहां से टू अपॉन अंडर रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर वन। नाउ भी इज इक्वल टू क्या है कॉस लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बी बाई डी एक्स एंड डेरिवेटिव कॉस माइनस साइन, तो माइनस साइन लॉग एक्स एंड डेरिवेटिव लॉग एक्स 1 बाई एक्स, इक्वेशन नंबर टू क्या करना है अब, डी यू बाई डी बी इक्वल टू क्या होगा डी यू बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी बी बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया बस, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस मीन्स टू अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी बी बाई डी एक्स ये मीन्स माइनस साइन लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स, तो बोलो टू अपॉन अंडर रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर ये एक्स ऊपर चला जाएगा मीन्स टू एक्स। अरे भाई ऐसे मत देखा करो यार, और
माइनस साइन का क्या लिखोगे, कॉसेक। आंसर ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 2.6 प्रो कंप्लीट, ठीक है ना। अब इसके बाद का जो कहानी है, आपका नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज बचता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। कौन सा? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। तो ये हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।